हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर टेक। दोस्तों, मैंने कल रात में ही आपको वीडियो बना के बता दिया था कि आपका एक और स्टेट का GDS रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद से ही कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उनका 10 CGPA यानी कि उनको 95% है, फिर भी उनको मैसेज नहीं मिला है। तो क्या यह न्यूज़ फेक है? और अगर फेक नहीं है, ओरिजिनल है, तो फिर मेरिट लिस्ट क्यों नहीं अपलोड हुआ? मेरिट लिस्ट जो आपका कब तक अपलोड होगा? इसके अलावा जो है, मैं आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाऊंगा जिसमें कि लोगों ने लिखा, यानी कि स्टूडेंट्स ने लिखा है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा 10 CGPA यानी कि 95% वालों के लिए कि देखिए, अगर 95% भी हो तब भी जो है सिलेक्शन होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो है आजकल कई सारे लोगों को 95% होते हैं। 95% एक कॉमन जो है मतलब हो गया है CBSE बोर्ड के कारण से। तो ऐसे में जिनका एज ज़्यादा होता है उनका सिलेक्शन होता है। यह जो है नोटिस में क्लियरली लिखा गया था, GDS के द्वारा जब नोटिस दिया गया था तो उसमें लिख दिया गया था कि अगर दो स्टूडेंट का नंबर सेम होगा तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में जो है इस कारण से आपको जो है मैसेज नहीं मिला है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट जो है बिहार का जारी कर दिया गया है। आपको आज शाम तक जो है वेबसाइट पे PDF भी मिल जाएगा। अगर आज शाम में नहीं आता है तो कल शाम में PDF आपके लिए अपलोड किया जाएगा। आपको पता होगा किसी भी स्टेट का जो है रिजल्ट जारी होता है उसके 48 या 72 घंटे के बाद जो है वेबसाइट पे PDF अपलोड होता है। मैंने आपको छत्तीसगढ़ में भी दिखाया था। जब मैंने छत्तीसगढ़ का भी वीडियो डाला था तो कई सारे लोग फेक बोल रहे थे, लेकिन उसके अगले दिन शाम में जो है PDF जब अपलोड हुआ तब जो है लोगों ने यकीन किया कि हाँ, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह से बिहार का भी रिजल्ट आ चुका है। आप यहाँ पर कई सारे कमेंट्स देख सकते हैं, मेरा आया है। तो अब 1063 वैकेंसी है, तो अब 1063 कमेंट तो मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो सकता है, क्योंकि और भी कई सारे चैनल है, लोग अलग अलग जगह देखते हैं, अलग अलग जगह कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आगे भी वैकेंसी आने वाली है GDS का। इसके अलावा आप इसमें भी अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका, आपको पता होगा कि कुछ महीनों बाद भी जो है मैसेज मिलता है, और वह क्यों मिलता है मैं आपको जो अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जब PDF आएगा तो मैं PDF वाला डालूंगा, तो कल सुबह में हो सकता है मैं इसको लेकर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ वह जो है कल सुबह वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जिनको मैसेज मिल चुका वह फिर से एक बार जो इस वीडियो के कमेंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।